No. Oh no. Hey. जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं फैक्ट जोन टीवी के एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, जिसमें हम आज आपको दुनिया के कुछ ऐसे ऐसे अजीबोगरीब नमूनों को दिखाएंगे जिनकी हेयर स्टाइल देख आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। और हाँ भाई, इसकी तो फुल गारंटी है कि ये वीडियो आज आपको खूब हंसाने वाली है, इसलिए यार आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, पक्का आपको काफी मजा ही आ जाएगा। तो यार चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब भाई मिली इस नमूने से, जिसने भैया पता नहीं ये कौन सा हेयर स्टाइल बनवा रखा है, जिसे देख कर तो मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि भाई इसने बाल को कटवाया है या फिर नोचवा रखा है। मतलब भैया इसे देखकर तो यही लग रहा है कि इसने पूरे सिर पर जोंक चिपका रखा है, पर भैया जो भी हो इस हेयर स्टाइल में तो ये गजबे लग रहा है। भाई इसके बाद मिली इस बंदे से, जो पहुंच गया नाई के पास बाल कटवाने, तो भैया नाई ने भी इसके कहने के अनुसार बाल को काट दिया, पर बंदे को यह स्टाइल पसंद नहीं आई तो इसने दोबारा नाई से बोलकर कुछ ऐसा हेयर स्टाइल बनवा डाला। नो। मतलब भैया बनने गया था रजनी पर बन गया गजनी। अब भाई इसके बाद मिली इस जनाब से, जो भैया सामने से पता नहीं कौन है पर पीछे से पूरी तरह से लगता ये डॉन है। ओह नो। मतलब भैया इसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये फैशन के लिए नहीं बल्कि लोगों को धमकाने के लिए बनवाया हुआ है। अब भाई इससे पहले जब भी आप बाल कटवाने गए होंगे तो नाई ने आपके बालों को भिगोने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल तो किया ही होगा, पर भैया क्या होगा अगर मशीन खराब हो जाए? ऑब्वियसली यार नाई दूसरी खरीद कर लाएगा, पर भैया एक बार आप जरा इस नाई को भी देखो। नो। मतलब यार देख रहे हो इसकी पागलपन। अरे भाई कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हो, वैसे खैर मनाओ कि वो बंदा काफी सीधा निकला, नहीं तो जनाब अभी लेने के देने पड़ जाते। अब भाई इसके बाद एक नजर इस मजनू को भी देखो, जो भैया प्यार में इतना पागल हो चुका है कि भाई हेयर स्टाइल में ही पूरा अपना दिल बनवा डाला। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। भाई साहब इसने तो प्यार के मामले में कबीर सिंह को भी पीछे छोड़ दिया। तो यार आगे बढ़ने से पहले, यदि आपको इस वीडियो में मजा आ रहा हो तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट में ये जरूर बताइए कि इस वक्त आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। अब भैया अगर आपके पास भी कोई बिजनेस है और ज्यादातर कस्टमर आपको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो भैया आ गया है आपके लिए एक अनोखा हेयर स्टाइल जो आपके बिजनेस की ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देगा। नो। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मतलब यार इसने तो कमाल ही कर डाला, वाह बेटे वाह, तुम तो छा गए। वैसे भैया जो भी हो पर हेयर स्टाइल तो वाकई माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि भैया इस हेयर स्टाइल के बाद तो आप जब चाहे जहाँ चाहे पैसे तुरंत ले सकते हैं। अब भाई ये तो आपने देखा ही होगा कि आजकल जिन लोगों के बाल गायब हो जा रहे हैं वो अपने फैशन को मेंटेन करने के लिए नकली बाल लगाकर घूम रहे हैं, पर भैया अगर आपने भी ऐसा बाल लगवा रखा है तो भाई जरा संभल कर ही रहना, वरना हो सकता है कि आपको भी कुछ इस तरह शर्मिंदा होना पड़े। नो। इसलिए कहते हैं भाई अगर सच में आपके बाल झड़ चुके हैं तो यार नॉर्मल रहो, क्या जरूरत है इतनी तामझाम करने को, नहीं तो भाई वही होगा चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब भाई इसके बाद मिली एक और टैलेंटेड नाई से, जो भैया दुनिया का एक ऐसा अनोखा हेयर स्टाइल बना डाला जिसे देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। <laughs>
मतलब भैया इसे कहते हैं आज्ञाकारी बंदा, क्योंकि भैया इसने बोला था कि भाई जैसा स्क्रीनशॉट में दिख रहा है वैसे ही काटना। तो बस फिर क्या भाई, बंदे ने हेयर स्टाइल के साथ साथ वीडियो के आइकन को भी बना डाला। अब भाई आज तक तो आपने सिर्फ छपरी लोग और छपरी डांस के बारे में ही सुना होगा, पर भैया अब मार्केट में छपरी हेयर स्टाइल भी आ चुका है। नहीं यकीन हो रहा तो एक बार आप भी देखो। नो 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 नो। भाई इसके बाद मिली इस मोहतरमा से, जो पहुंच गई पार्लर में नई हेयर स्टाइल बनवाने, जहां मैडम ने बंदे को बोला कि भाई मेरी हेयर स्टाइल ऐसा बनाना जो सबसे यूनिक हो। तो बस फिर क्या भैया, इसने इनको कुछ ऐसा बना डाला। नो 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 नो। नहीं यार, मतलब ऐसा कौन करता है, इसने तो बेचारी को कहीं का नहीं छोड़ा। बेचारी यही सोच रही होगी कि यार, सोच कर आई थी कि अपने नई हेयर स्टाइल से अपने दोस्तों को जलाऊंगी, पर भैया अब तो लगता है कि दोस्तों को जलाना तो दूर, बेचारी कई महीने स्कूल में नजर भी नहीं आएगी। अब भाई ये तो आपने सुना ही होगा कि अगर आपके सिर पर किसी बड़े का हाथ हो तो आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो बस फिर क्या भैया, इस बंदे ने लगाया दिमाग और फिर अपने सिर पर अपने इलाके के सबसे बड़े आदमी का हाथ बनवा डाला। भाई साहब ये बंदा इस बाल को बनवाने के बाद कितना सक्सेस हुआ ये तो पता नहीं, पर इसका मजाक जरूर बन गया। तो हाँ यार, कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ भाई, इसके साथ साथ आप हमारे न्यूज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको बेहद ही मजेदार वीडियो मिलने वाली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।